और मैं ऐसा जानती हूँ कि मुझे मझधार छोड़कर जाओगे, तुमसे प्रीत नहीं करती श्याम। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होई, नंगर ढिंडोरा पीटती सो प्रीत न करियो को। गोपियां रोती बिलखती हैं, श्याम मुझे छोड़कर मत जाओ। पर एक बात मैं आपको और बता दूं, गोपियां सच्ची प्रेमिका हैं प्रभु की, और कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। वेद की ऋचाएं हैं और भक्ति स्वरूप हैं वो गोपियां। राधा तो शक्ति है श्याम की, तो कहने लगी मेरे श्याम के आगे का मार्ग तो ऐसे ही प्रशस्त होगा। और मैं सच्ची प्रेमिका तभी जब प्रेमी के मार्ग में रोड़ा ना बनूं। भगवान रथ से नीचे उतरे, सबको सांत्वना दी, सखियों ने मार्ग दे दिया है, जाओ गोविंद, जहां तुम सुखी रहो वहां रहना, पर हमें भूल मत जाना गोविंद। ये प्रेम की हिरणियां तुम्हारे बिना मर जाएंगी श्याम। भगवान का रथ आगे बढ़ा, एक सखी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई। जब तक रथ दिखाई दिया देखती रही, जब नहीं दिखाई दिया तो गस आकर गिरने लगी, उसको गस आ गया। जब गिरने लगी बेहोश होकर तो बोली, अरे ब्रह्मा अभी मुझे मारना नहीं, क्यों? और यदि मैं मर भी जाऊं तो कागा सब तल खाइयो, मेरो चुंगे चुंगे खाइयो मांस, दोने ना मत खाइयो, मोए श्याम दर्श की आस। मेरे नेत्रों को छोड़ देना मेरे सज्जनों। सारी ब्रज सखियां, ब्रज सूना रह गया, गाय बछड़े ज्यों के त्यों रमाते रह गए। यमुना के किनारे पहुंचे भगवान श्याम ने, अक्रूर जी को दर्शन दिया यमुना में। अक्रूर को विश्वास हुआ कंस कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मथुरा में गए भगवान तो आगे बढ़े।